नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश में आज जो मॉनसून, जो विंटर सेशन हुआ है, जो शीतकालीन सत्र हुआ है, उसमें ये जो कृषि कानून, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि हम इस कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, उसको देखते हुए इस अध्यादेश को आज दोनों ही सदनों में पेश किया गया। इसकी शुरुआत आज सबसे पहले लोकसभा से हुई, लेकिन हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे हुआ। एक साल पहले जिस तरह से इस कृषि कानून को लाया गया था, उस कृषि कानून के आने के बाद किसानों ने इस पर नाराजगी जताई, और नाराजगी जताने के बाद लगातार जो किसान थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको इस कृषि कानून में बहुत कुछ गड़बड़ सा महसूस हो रहा था। हालांकि इसको देखते हुए कई बार सरकार के साथ बैठकें हुई, कई राउंड की बैठक हुई, लेकिन जो किसान नेता थे और जो किसान थे वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि हमें हमारे मुद्दों पर चर्चा करनी है, सरकार इस कृषि कानून को वापस ले, उसके बाद ही कुछ बेहतर बात बन सकती है। फिलहाल बीते दिनों जब गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और 18 मिनट के अपने संबोधन में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि हम इस कृषि कानून को किसानों को सही तरीके से समझा नहीं पाए, और इसी वजह से अभी समय है कि इसे वापस ले लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद किसानों ने कहा कि अभी भी हमारा प्रदर्शन जो है वो चलता रहेगा। कारण क्या था? कारण ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें हमारे मुद्दे पर चर्चा करने वाला जो मुद्दा है, जिसमें MSP हो गया, जिसमें कई और मुद्दे हो गए, उन मुद्दों को लेकर हमें जब तक सरकार सही तरीके से जो स्वीकार्यता है वो नहीं देगी, उन मुद्दों पर इस पर अध्यादेश नहीं लाएगी, तब तक हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल जो विंटर सेशन है, जो शीतकालीन सत्र है, उसकी शुरुआत आज से दिल्ली में हुई। पहले लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। बिल जब पेश हुआ, तो पेश होने से पहले ही जो विपक्षी दल थे उन्होंने वहां पर हंगामा काटना शुरू कर दिया। हमारा जो आज का मुद्दा है वो यही है कि कृषि कानून वापस होने के बाद इस पर राजनीति क्यों? क्योंकि जिस तरह से आज देखा गया कि विपक्षी दलों ने लगातार सरकार के खिलाफ जाकर के ये कहा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। पहले जब सरकार इस बिल को लाई थी, जब इस कानून को लाई थी, जब इस अध्यादेश को लाई थी, उस दौरान भी चर्चा नहीं हुई थी, उस दौरान भी विपक्षियों की बात नहीं सुनी गई थी, और आज जब इसको हटाया जा रहा है, इसे रद्द किया जा रहा है, इसको रद्द करने को लेकर जो चर्चा होनी थी वो चर्चा भी नहीं हुई, तो आखिर सरकार चर्चा करना क्यों नहीं चाहती? हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में पेश किया। इस दौरान लोकसभा को स्थगित भी करना पड़ा, क्योंकि हु हल्ला इतना हो रहा था। और ये सबसे अहम बात देखिए कि पहले दिन, क्योंकि शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, कई सारे मुद्दों को पेश करना था, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके पहले ही 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो संसद की कार्रवाई है उसका उल्लंघन किया था, विरोध करके या फिर विरोध के ऊपर जा करके अपनी बातों को रखा था, और इसी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया। दूसरी अहम चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि भैया सरकार क्यों नहीं चाहती कि वो इन मुद्दों पर बात करे, वो जब इस बिल को पेश कर रही थी तब भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, और आज जब इसे रद्द कर रही तब भी हमारी और किसानों की बात नहीं सुन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि MSP के मुद्दे को लेकर किसान लगातार नाराज है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की, पहले भी नहीं कर रहे थे, अभी भी कोई कानून नहीं बनाया, कोई अध्यादेश नहीं लाए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि किसानों की और भी कई सारी मुद्दे हैं, उसको लेकर भी सरकार किसी प्रकार से विचार विमर्श नहीं करना चाह रही है। एक साल से ज्यादा का समय क्यों इंतजार किया गया, क्यों 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जब जान गंवा दी, तो उसके बाद सरकार की आंखें खुली और सरकार ने इस कानून को रद्द करने का फैसला लिया। इस शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा करने के बाद दोनों सदनों में इसे पेश किया गया और फिलहाल इसे रद्द करने के लिए पास कर दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सामने आए मीडिया के, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हम हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुद्दा जवाब देने वाला होना चाहिए। हमें जब लगा कि किसानों को कहीं ना कहीं ये बिल समझ नहीं आ रहा, ये कानून समझ नहीं आ रहा, तो हमने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि हमें किसान के हित की बात करना पहले से ही आता था, हमने उसी हित में इस कानून को लागू भी किया था, और जब किसानों को ये बात समझ नहीं आई, ये कानून समझ नहीं आया, तो हमने इसे रद्द भी कर दिया। तो ये कुछ आज सब देश की राजधानी दिल्ली में और संसद में चला है, लेकिन उसके बाद
अलग अलग नेताओं के बयान भी आए। अखिलेश यादव ने भी कहा कि किसानों के साथ सरकार ने शुरुआत से ही गलत किया था और उसी वजह से उन्हें इस कानून को हटाना पड़ा, लेकिन अभी भी एमएसपी को लेकर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ किसानों का बड़ा हुजूम भी मौजूद था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा है कि जब तक इस एमएसपी को लेकर चर्चा नहीं होगी, जब तक एमएसपी को लेकर अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, कानून नहीं बनाया जाएगा या फिर किसानों की और समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं होगी, तब तक हम धरने से नहीं हटने वाले। तो फिलहाल इस बिल की वापसी के बाद भी इस पर जो राजनीति है वो लगभग चल रही है, वो शुरू हो गई है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी भी क्यों लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला आज से सदन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हालांकि वो जिस पोस्टर को लेकर आए थे वो पोस्टर भी पुराना था, कांग्रेसी इतनी जल्दी में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया और ये कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बिल वापस नहीं हो रहा था तब भी बवाल था, वापस हो गया है तब भी बवाल है, ये बवाल कब तक चलेगा और ये बवाल की आग कब शांत होगी। चुनाव आ गया है, चुनाव में जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, किसान जो मांग रहे हैं उस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, क्या बवाल ही चलता रहेगा। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम अपने मेहमानों को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की भी मोहर लग गई। वहीं विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया, जो ध्वनि मत के साथ पास कर दिया गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं दोनों ही सदनों में बिना चर्चा के बिल पास होने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर बनी रही। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीररंजन चौधरी ने कहा कि एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए। 35,000 किसानों को झूठे केसों में फंसाया गया, उन्हें मुक्त कराने की मांग और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के डर से सरकार ने इस कानून को वापस लिया है। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून वापसी बिल पर संसद की मोहर लगने के बाद भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बिल वापसी का श्रेय आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को दिया, साथ ही कहा कि हम एमएसपी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे। शीतकालीन सत्र की बात करें तो 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी, जिसमें विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। सदन की जो कानून है, देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है,
उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है, क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती, नहीं जाना चाहती? व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी, ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराते हैं और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान नेता के रूप में कमलेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जफरउल्लाह जफर हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि मामला ये है कि ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने चाहते हैं, आप खाली सत्र बुलवा लेते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन बात मनवाने के बीच में जो चर्चा होनी चाहिए, जो जानना चाहिए विपक्ष से कि भैया वो तैयार हो कि नहीं तैयार हो, ये हमारी बात सही लग रही कि नहीं लग रही है, ये चर्चा आप लोग नहीं करवाते हैं ना करवाना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या का भी नाम दे दिया गया है विपक्ष की तरफ से इसको। क्या कहना है इस पर और आप लोग चर्चा करवाते क्यों नहीं? नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अच्छा, एक समय विपक्ष ये कहता था कि बिना चर्चा के बिल को पास करा दिया गया। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि हम दिए के तरफ साफ, हम कानून को कुछ लोगों को समझा नहीं पाए इसलिए हम माफी मांगते हैं और कानून वापस ले लेते हैं, तो उस पर फिर चर्चा की बात, किस चीज की चर्चा हो? अगर हर, देखिए नितिन जी, बहुत ही स्पष्ट है कि अगर को हर बच्चा अगर ये चाँद के लिए कहे कि हमको चाँद चाहिए तो हर माँ उसको चाँद ले आकर नहीं दे सकती है। अच्छा, और ना देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर आकर कोई घोषणा कर दी है और ये लोग लोकतंत्र के हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो ये लोग भी कर रहे हैं। न इनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न इनको प्रधानमंत्री पर भरोसा है, न इनको सदन पर भरोसा है, किस चीज पर भरोसा है? और आज किस तरीके से ट्रैक्टर पिछले महीने चलाते हुए जा रहे थे और जिस पिछला सत्र जो है इन लोगों ने पेगासिस की भेंट चढ़ा दी, क्यों नहीं किसान पर चर्चा किया? 14 बिल थे किसानों के लाभ के लिए, एक बिल पर चर्चा नहीं हुई। अच्छा, और ओबीसी बिल जब पास होता है, साहब चांद वाली बात आप कर रहे थे, तो माँ से जब बच्चे चांद मांगते तो चांद नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जब ये लोग ने मांग की तो आपने 12 सांसद ही निलंबित कर दिए। आप देखा आपने किस तरीके से उपद्रव हो रहा था सदन में, सदन में पिछली बार संजय सिंह किस तरीके से गुंडई किए, इस बार किस तरीके से उपद्रव हुआ, तो निलंबित तो करना ही है, वो तो सदन की परिपाटी है। जब आप सदन के स्पीकर की, सभापति जी की बात नहीं मानेंगे, प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे, तो आप सदन में गए हैं आप बहस करने, आप चर्चा करने। पिछली बार देखिए पेगासस पर चर्चा हो रही है और उस पर तृणमूल के एक सांसद आते हैं और कागज छीनते हैं माननीय मंत्री जी से और कागज फाड़कर फेंक देते हैं। ये है सदन की इन लोगों की गंभीरता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग चर्चा कर ही नहीं पाएंगे इन मुद्दों पर। प्रधानमंत्री जी ने माननीय कहा है कि आप हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो बात जो है इस काबिल हो कि उस पर चर्चा हो। जब कानून वापस ले लिया गया तो उस पर चर्चा करने आपको नहीं लगता कि एमएसपी का मुद्दा इस काबिल है कि उस पर चर्चा करी जाए, या फिर जो बिल आप लोगों ने, जो कानून आज आप लोगों ने वापस ले लिया, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सही वाली बात कौन सी है, पहले वाली कि जब आप लोगों ने लागू किया था, या अभी वाली जो आप लोगों ने हटा दिया है? सही वाली बात थी कि ये कानून देश के लघु और सीमांत किसानों के लिए लागू किया गया था। 94% किसान जो है एमएसपी का लाभ नहीं पाते हैं, 6% पाते हैं, उनके लिए जो है हम 94% के लिए काम कर रहे हैं। ये तथाकथित, आज सुना आपने किस तरीके से राकेश टिकैत गुंडों की भाषा बोल रहे थे? अंदर जो लोग हैं ये गुंडों की भाषा बोल रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाली है। मैं आपके चैनल से खबरदार करना चाहता हूं राकेश टिकैत को कि शब्दों की गरिमा को लेकर रहे, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो किसानों के वोट में छिप जाते हैं और इस तरीके की धमकी देते हैं कि सरकार को 26 जनवरी, यानी कि इससे साबित होता है कि 26 जनवरी को जो कराया था राकेश टिकैत ने कराया था। और मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से जी कि जांच कराकर इस डकैत को जेल भेजने का काम करे। अच्छा। ये किसानों को बदनाम करने का काम कर रहा है ये आदमी।
ठीक है कमलेश यादव हमारे साथ किसान नेता के रूप में मौजूद है और बहुत देर से कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। कमलेश भाई क्या कहना चाह रहे हैं? नितिन जी असुनी जी से कहना चाहता हूं कि आप ही वही व्यक्ति हैं जैसे आप राकेश टिकैत जी को बता रहे हैं इसी चैनल पर, अभी 6 माह पहले कितना चिल्ला रहे थे आपको किस सबसे नवाजा जाए, तब आप नहीं देख रहे थे जिस चीज की आप बड़े बड़े वखान कर रहे थे, जिस चीज की बड़ी बड़ी खूबियां बता रहे थे, जब आप बिल को लाए थे तब भी पूरे देश का किसान पूरे देश का अन्नदाता इसी तरीके रोड पे था। आप सुनते किसकी हैं, आप मानते किसकी हैं, आप राकेश टिकैत जी को डकैत बता रहे हैं? नहीं तो आज आप लोग खुश हैं कि नहीं है? अगर इतना आपको डर था तो जैसे लड़ रहे थे जैसे हल्ला मचा रहे थे खूबियां बताते रहते, अब तो चुनाव आ गया सर के ऊपर। तो आप लोग समझे नहीं ना? नहीं नहीं हम तो समझते हैं, हम समझे हैं समझते रहते हैं, हम वो अन्नदाता हैं, हम देश को खाना खिलाते हैं, देश के हर प्रकार की कठिनाइयों से भी जूझते हैं, इनको क्या मालूम? अगर इनके पता होता जब मर्जी आपकी आई आपने लिख के चढ़ा दिया, जब मर्जी आई आपने वापस ले लिया। हम चर्चा के लिए कह रहे थे, आप खूबियां बता रहे थे चैनल से, सामने बैठ के बताइए, आज तक कोई बताया हो बता दे। नहीं तो आप क्या नहीं किया असिनी जी ने, क्या नहीं किया इन्होंने, ट्रैक्टर भी चलाया इन्होंने, मोर्चा भी बनाया और ये गांव गांव गए और ये प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी सभी लोगों ने गांव गांव चौपाल लगाई, क्यों नहीं समझा लिए? प्रधानमंत्री किसान के बेटे नहीं थे? बिल में खामी थी। अरे बिल में कोई खामी नहीं। हाँ फिर वापस क्यों ले लिए? अगर बिल में खामी नहीं तो वापस क्यों ले लिए? आप लोग समझ नहीं पाए ना? नहीं नहीं हम समझ नहीं पाए, ये तपस्या, ये प्रधानमंत्री जी करें तपस्या, इसी में बैठ करके असुनी जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या किसान की है, 730-735 महिलाओं किसान मिला करके जो शहीद हुए, करना आप लोग छोड़ दीजिए भाई, सही कह रहे हैं। देखिए आइए ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, क्यों निकलती, आइए, सीमांत किसान बहुत हैं भाई साहब, आइए गले में घंटी बांध के घूमिए, बताइए चिन्हित करिए सीमांत किसान कौन है, सीमांत किसान। और मैं चेतावनी देता हूँ दोबारा ऐसी टिप्पणी मत करना किसान नेता के खिलाफ, दोबारा ऐसी बात मत बोलना, जैसी आप एसी में बैठ करके बोलते हो भाषा, आइए आइए गांव आइए, बहुत जल्द समय आएगा, परेशान मत होइए, आइना नहीं आपके लिए बड़े बड़े हारों की तैयारी, सरकार को धमकी देने बड़े बड़े हारों की तैयारी, ये आपको धमकी देगा और आपसे सवाल भी पूछेगा, अगर छुप कर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं तो मैं उनको चेतावनी देता हूं, सरकार मैं उनको चेतावनी देता हूं कि आगे से इस चीज का इस शब्द का प्रयोग मत करें, राकेश जी का ठीक है प्लीज, कान खोल के सरकार को अभी वो समझते नहीं है, बहुत ही सहनशील सरकार है, तो इसका मतलब जो है सर पर चढ़कर ठीक है, जो आप भाग जाते थे चैनल से, अभी भी वीडियो आज तक जवाब नहीं है, एक डिबेट दिखा दीजिए तो मैं भागा हूं, ठीक है ऑनलाइन ऑनलाइन प्लीज 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 हो गया, बोलने के लिए कुछ क्या प्लीज इंटरप्ट नहीं, नेक्स्ट राउंड में एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे, अभी नहीं अभी नहीं, अभी फर्स्ट राउंड में किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा प्लीज, हो गया कमलेश भाई, ठीक है कमलेश भाई, कमलेश भाई हो गया, जब किसी की ना कोर्ट की सुनेंगे ना सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे ना जनता की सुनेंगे, ठीक है एक दूसरे के लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें प्लीज, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ये 14 महीने की लड़ाई लड़ी गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, 700 किसान को शहीद करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जफर भाई आज आप लोगों ने भी कहा कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, आप लोग पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने चले आए, पोस्टर भी पुराना था, किस बात की चर्चा चाहिए भाई, आप लोग कह रहे थे कानून वापस ले लो, सरकार ने वापस तो ले लिया, क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने कहा है कि कौन सा मामला सही था, पहले वाला या पुराना वाला, ये समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा भाई, कानून को लेकर बवाल था, कानून वापस हो गया, अब तो शांति और चैन से रहिए आप लोग। देखिए नितिन जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे पर आपने ये डिबेट आयोजित की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई का पात्र है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि असुनी शाही जी जो लगातार अभी बोल रहे थे और हम लोग चुपचाप सुन रहे थे, किसान नेता
आदरणीय कमलेश यादव जी भी सुन रहे थे, लेकिन अश्विनी शाही जी जैसे ही कमलेश यादव जी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया और अश्विनी शाही जी लगातार बीच में बोल रहे हैं, पहली बात तो मैं इसकी निंदा करता हूँ कि आप सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप सदन में तो सुन नहीं पाते, आपके नेता सदन में तो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई किसान नेता कोई अपनी बात रख रहा तो उसको बात रखने दीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी सीना पीट पर पीट पीट करके कहते हैं कि किसान नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए, उनको बहस करनी चाहिए, उनको डिबेट करना चाहिए। अरे भाई, आप डिबेट करना कहाँ चाहते हो, आप बात करना कहाँ चाहते हो? लेकिन सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई दूंगा कि तमाम देश के तमाम विपक्षी दल नेताओं ने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बधाई दी कि जिन किसानों की शहादत हुई है उन किसानों की वजह से ये कृषि कानून वापस हुए हैं। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि आज हम लोग आज़ादी के बाद का जब इतिहास पढ़ते हैं तो 1947 में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ उसमें हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटाया, और उसके बाद एक आंदोलन हुआ 1975 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ, एक वो आंदोलन था जब उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे हटना पड़ा और इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी। उसके बाद तमाम ऐसे आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलन वो सफलता के मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के सभी किसान नेताओं को, देश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को, जिन लोगों ने किसानों की आवाज को मुखर किया, सड़कों में संघर्ष किया, सदन में संघर्ष किया, और आज तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ा है। और साहब जी सब माफी की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून गलत है। अगर कानून सही है, अगर कानून सही है तो माफी किस बात की मांग रहे हो? अगर कानून गलत है तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप माफी मांग करके जनता को गुमराह करना चाहते हो? अरे आपके नेता, आपकी सोच में खोट है। तो आपकी है ना? आपके नेता साक्षी महाराज ने क्या बयान दिया है? साक्षी महाराज ने बयान दिया कि ये कानून तो वापस होते रहते हैं, कानून तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के चुनाव को देखते हुए इन कानूनों को वापस लिया गया? मुझे सरकार पर तनिक भी भरोसा नहीं है, और इस देश का किसान भी इस सरकार से भरोसा नहीं करता है। इस सरकार से भरोसा उठ गया है, और आप लोगों ने देखा है किस तरीके से किसान नेता इनके बयानबाजी कर रहे हैं, इनके पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कैसे भरोसा जाता है भाई, उन लोगों ने कानून वापस ले लिया। आप लोग कह रहे थे कानून वापस ले लिया। आप कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आप ही तो कह रहे हो कि कानून गलत नहीं है। अगर कानून गलत नहीं है, चुनाव को देखते हुए आपने कानून वापस ले लिया, क्या आप किसान को बेवकूफ समझते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं? लेकिन चुनाव हो जाने के बाद अगर फिर से आप सरकार में आ गए तब क्या करेंगे? फिर से जब एक बिल लाएंगे और किसान कानून बना देंगे तब किसान क्या करेगा? किसान तो आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, उसने 700 अपने किसानों को खोया है। आपने सोचा कभी उनके बारे में? आप उनके परिवार से मिलने गए? आप लोगों ने तो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला चढ़ा दी। लखीमपुर की घटना आज भी हम लोग याद करते हैं, रूह कांप जाती है कि किस तरीके से, निर्मम तरीके से आप लोगों ने हत्या करने का काम किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मानिए सुनने की क्षमता रखिए सुनी शाही जी, नहीं कुछ कह तो लीजिएगा। सुन लीजिए नितिन जी, मानिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की लखीमपुर की घटना पर, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये देश की जनता जानती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, जिस तरीके से जांच होनी चाहिए थे, जांच में लापरवाही की गई, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, जो 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मारे गए, आप लोगों ने उनको शहीद शहादत आप उनको शहीद कह रहे हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान मरे हैं और जो ड्राइवर, जो एक पत्रकार की डेथ हुई है, आपने कहा कि किसानों के द्वारा पीट पीट करके पत्रकार की हत्या की गई, लेकिन ये गलत आरोप था। किसानों ने नहीं मारा, आपके नेताओं की गोलियों के द्वारा उस पत्रकार की हत्या हुई, ये सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। और आपके जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 आरोपियों की हत्या हो चुकी है, यानी कि वो भी हत्यारे थे, आप भी हत्यारे हो, देश का प्रधानमंत्री भी हत्यारा है। इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिए, किसी की भी जो मर्यादा है एक दूसरे के लिए वो रखिए। हां शाही साहब कुछ कह रहे थे आप। देखिए, एक तो शब्दों की मर्यादा जो है, ये लोग खुद बोलते बोलते भूल जाते हैं कि गरिमा क्या होती है। देश के प्रधानमंत्री को अगर हत्यारा कह रहे हैं ये, तो इनके ऊपर मुकदमा चल जाएगा। अच्छा, अरे 700 किसानों की हत्या किसने की भाई? अब सुनी जी, आप अभी राकेश टिकैत ने, राकेश टिकैत जी को क्या कह रहे थे यार? राकेश टिकैत ने हत्या की। अच्छा, वो क्या है? वो शब्दों की गरिमा है, ये शब्दों की मर्यादा है आपकी? आपके शब्दों की मर्यादा है? आज राकेश टिकैत ने क्या कहा? राकेश टिकैत किस संवैधानिक पद पर है? यही आप माननीय प्रधानमंत्री को कह रहे हैं? राकेश टिकैत की तुलना करेंगे किसानों की भावना है? राकेश टिकैत देश के किसानों की भावना है शाही जी, आपको समझना होगा। आप सुन लीजिए, वो किसान नेता जो है संवैधानिक पद पे नहीं है, कान खोल के भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आपने कहा है, और राकेश टिकैत की तुलना करेंगे नरेंद्र मोदी से? और आपके द्वारा बड़ी बड़ी अभद्र टिप्पणियां की गई, एक भी
भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान नेता राकेश टिकैत की हिम्मत कैसे हुई कि देश के देश की सरकार को चैलेंज करने की? इसका मतलब कि 26 जनवरी की घटना उन्होंने किया था, पिछले 26 जनवरी की घटना उन्होंने किया था। देता हूं आपको चेतावनी, देता हूं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अगर तुमने गलत कभी टिप्पणी आपने किया और भारतीय जनता पार्टी की तो परेशान मत होइए। किसान नेता है क्या है? ये किसान है, ये देश का अन्नदाता है, ये आपसे बात किसान हमारा अन्नदाता है, आप करिए। लेकिन ये डकैत हमारा नेता नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ये जो राकेश डकैत है, ये जो है, ये डकैत नेता नहीं है, किसान हमारे अन्नदाता है और रहेंगे। ये मर्यादा है यही आपकी मर्यादा है, हिम्मत कैसे हुई उनकी? ये 26 जनवरी पिछली घटना है, यानी कि राकेश टिकैत ने कराया था, आज उन्होंने कहा है ये बात कि 26 जनवरी आने वाली है, उनकी हिम्मत हो गई देश को धमकी देने की? वो गुंडा किसान नहीं जाएगा, पूंजीपतियों के जो दलाल है वो पूंजीपतियों के दलाल जाएंगे, पूंजीपतियों के दलाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ने लाल किला को भेज दिया और देश का किसान लाल किले पर जाएगा। शहीद भगत सिंह को मानने वाला है। आप सुनिए मेरी बात महेंद्र, आप लोगों को सुनने के लिए जनता बैठती है, प्रदेश की, देश की, दुनिया की, तो कृपया एक दूसरे के लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। संविधान की जिन कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं उनकी, उनके लिए मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। मैं आता हूँ आप लोगों के पास, मैं आता हूँ, प्लीज 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 महेंद्र भाई, प्लीज 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 जफरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। जफर भाई आवाज मिल रही? हम भी अभी पाठ पढ़ाएंगे इन लोगों को, इन लोगों को शाही साहब बीच में मैं नहीं बोलने दूंगा। प्लीज प्लीज शाही साहब मैं आ रहा हूँ, ये किसान नेता के अरे प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं महेंद्र जी, ऐसे नहीं प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मानित शब्दों का प्रयोग करिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है चुनाव में, ठीक है प्लीज। हो गया महेंद्र भाई, हो गया। हाँ जफर भाई आवाज मिल रही है आपको मेरी? तीन महीना जफरुल्ला साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? नितिन जी मिल रही है। हाँ जफर भाई, आज आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया, आपके जितने भी नेता सदन में थे सबने प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार इस बिल को वापस तो ले ली, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की। लेकिन प्रमुख लड़ाई तो बिल को वापस लेने की थी, कानून को वापस लेने की ही थी, सरकार ने कानून वापस ले लिया, फिर आप लोगों ने प्रदर्शन क्यों किया? और प्रदर्शन भी इतनी जल्दी जल्दी कि पुराना पोस्टर लेकर चले आए, उसको लेकर भी काफी बवाल हो गया। नितिन जी सवाल ये पैदा होता है कि इतने आनंद फानंद में ये कानून बनाया गया, और जब कानून ये बनाया गया तो विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही, विपक्ष की कोई चर्चा नहीं हुई, सदन में चर्चा नहीं हुई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं चर्चा करने के लिए और उस पे कानून बनाने के लिए, पर सेकंड कानून बन गया तो एक साल तीन महीना तक किसानों को तड़पा तड़पा कर 7 साल किसानों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये पैदा होता है, 1 साल तक जो किलेबंदी की गई, 1 साल तक किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, एक तरफ आप कहते हैं कि ये विधेयक अच्छा है, दूसरे तरफ आज आप उसको वापस लेते हैं। चलिए बधाई योग्य है कि आप देश से आए, चुनाव के डर से ही आए, लेकिन आपको समझ में आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब इस विधेयक को वापस लेते हैं, क्या करते चर्चा होती जफर भाई, निकल कर सामने आती? नहीं नहीं, चुनावों की वजह से वापस लिया गया है क्या आप कह रहे हैं? ये आदरणीय राहुल गांधी जी का डर, किसानों का डर और उत्तर पश्चिम में 60 सीटों का डर है, जिसको देखकर ये निर्णय लिया गया है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तो आप लोग का कुछ है भी नहीं ऐसा। एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों नहीं बनाते? नहीं चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है जफर भाई, रोड मैप क्या है वो सार्वजनिक करें, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी को वापस कब लिया जाएगा, इसको बुरी तरह से किसानों को प्रभावित कर रखा है। राजस्थान में लिया जाए, लिया गया कि नहीं? और सेक्टर समेत किसानों पर जीएसटी कब हटाएंगे? मैं ये कह रहा था चुनाव, जफर भाई सुनिए, मैं ये कह रहा था चुनाव तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ आप लोगों का कुछ ऐसा खास है भी नहीं इफेक्ट। आप कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से वापस लिया गया, ये उत्तर प्रदेश राहुल गांधी से डर गए आप बता रहे हैं? 700 किसान जो इस दुनिया में नहीं रहे शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? उनको शहादत का दर्जा देंगे नहीं देंगे? कम से कम इनको सोचना चाहिए।
मृत परिवारों से इनको मिलना चाहिए, उनको शहादत का दर्जा देना चाहिए। संवेदना देने से भी रह गए, 700 परिवार के घर सूने हो गए। एक साल, एक ठंड गुजर गई, दूसरी ठंड गुजरने वाली है। ये चुनाव नहीं होता तो आज भी इसी तरह से किसान संघर्ष कर रहे होते। नितिन जी, विपक्ष के कितने लोग गए मिलने उन परिवारों से? आप, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जफर भाई क्या होती है? अरे जफर भाई, निकलते हैं तो दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई दी। अरे सुनाई तो दे रहा होगा ना आपको, यहाँ तो सुन लीजिए जफर भाई। शाही साहब कह रहे हैं कि आप लोगों में से कितने नेता गए किसानों से मिलने या उन मृतक परिवार वालों से मिलने की जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया इस प्रदर्शन के दौरान। आदरणीय राहुल गांधी जी, स्वस्थ देश ये डंका की चोट पे कहते रहे कि ये किसान बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। कौन गया भाई लेना पड़ा, मिलने कौन गया? तमाम विपक्ष किसानों के, अरे डंके की चोट पे तो आप कह रहे थे, मिलने कौन गया? कमलेश जी पूछ रहे हैं कि आप लोग भी मिलने नहीं आए हमसे। किसकी है सत्ता में, कौन है? कानून किसने बनाया? किसानों को मजबूर किसने किया? अरे कमलेश भाई बैठे हैं, किसान नेता है, वो कह रहे हैं आप लोग भी मिलने नहीं आए हमसे। जफर भाई चलिए, इनसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ महेंद्र, कुछ कह रहे थे आप? नितिन जी मैं इतना कहना चाहूंगा, जो अश्विनी जी कह रहे थे कि मिलने कौन गया, आपको शायद सुनी जी याद होगा। नहीं, उन्होंने कांग्रेस से पूछा तो आप क्यों कह रहे हो? नहीं, विपक्ष के नेताओं की बात की, कांग्रेस ही विपक्ष में नहीं है, उत्तर प्रदेश में। जब आपने बात की कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो आप हमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपको याद होगा कि जब आपने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, आपके मंत्री ने, जो आपका गृह राज्य मंत्री है, उसके बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई, तब उनके परिवार को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने गए। अश्विनी जी बात सुन लीजिए, अश्विनी जी सुनने की क्षमता रखिए, उसके बाद बोलिए, समय बहुत है अभी आपके पास। जब आपने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, तब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने गए। और सुनिए, हमारे नेता ने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी, तो जो 700 ज्यादा किसानों की शहीद, जो शहीद हुए हैं, उनको हम शहीद का दर्जा दिलाने की भी लड़ाई लड़ेंगे, और उनको 25-25 लाख रुपए की मदद करके उनके परिजनों की मदद की जाएगी। अरे अश्विनी जी, आप ये बताइए लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ शाही साहब, एक सवाल ले लीजिए बस, हम आप बोलते रहिएगा, मैं सुनूंगा। बताइए, आप लोगों ने शहीद का दर्जा, शहीद सब अच्छा है, मैं कहीं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने लोग मरे हैं उसमें कहा आप तरन तारण वाले के पास गए नहीं गए? वो कितने बुजुर्ग लोग वहां पर सिंघू बॉर्डर पर शहीद का आप कह रहे शहीद हो गए, वो उससे माननीय अखिलेश जी गए क्या मिलने? किसी एक से मिलने गए? लखीमपुर छोड़ दीजिए आप, खाली लखीमपुर में किसान नहीं थे, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर कहाँ गए? बस ये सवाल था। आप अश्विनी जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हाँ। गाजीपुर बॉर्डर जब से आंदोलन चल रहा है पहले दिन से, आज एक साल हो गया है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाकर के बैठकर उन्होंने समर्थन किया, और पूरे प्रदेश में। अरे मरने वालों की बात हो रही है भाई, सुन लीजिए ना, आपने मरने किसानों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप बता रहे हैं, आप सहानुभूति जताएंगे, आप बताएंगे कौन मिल गया नहीं गया? ये लोकतंत्र है भाई, आप बताइए ना, कोई गया हो तो बताइए ना। अरे सुनिए, एक फोटो ट्वीट कर दें आपके राष्ट्रीय, ये लोकतंत्र है, एक फोटो ट्वीट करा दीजिए, चाहे आप ही कर दीजिए ट्वीट। आप ट्विटर देखते ही नहीं है, जानकारी नहीं है आपको? और शायद एक फोटो, अरे भाई अभी आप नितिन जी को दे दीजिए, क्षमा मांग लूंगा, बता दीजिए, ट्विटर चलाना सीख ले, उनको तो उनको आता ही नहीं है। अरे भाई उनको आता है, नहीं आता है, उनको भाई आता है, नहीं आता है ना, उनको आता है, आता होता तो उनको आता नहीं करते। अभी उनको आता है, उनको आता है, उनके वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट होते हैं कि तमाम लोगों को नौकरी मिल गई, बाद में पता चलता है कि वो फर्जी ट्वीट है। अगर उनको आता, वो सबको मिलता है, नौकरी मिली हुई है। चलिए, अरे भाई अब मुद्दा मत घुमाइए, आप बताइए मुद्दे पर रहिए प्लीज। सुनिए, किसान आंदोलन जिस तरीके से बड़ी पवित्रता के साथ, और किसानों ने अपने मुद्दे पर जिस तरीके से निष्ठा के साथ आंदोलन किया है, आज वो अपने मुकाम पर पहुंचा और देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा, ये बड़ी जीत है किसानों की। और ये जो किसान शहीद हुए हैं, ये सिर्फ राकेश टिकैत जी ने भी कहा और देश के तमाम नेताओं ने कहा, जो विपक्षी नेता हैं उन लोगों ने कहा जिनकी संवेदनाएं जिंदा हैं, आपके पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा है। हो सकता है आपको याद हो, माननीय पीलीभीत के सांसद हैं, माननीय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक माननीय है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लगातार वो किसान आंदोलन के समर्थन में बोल रहे थे, लेकिन तब तो आप उन्हें किस तरीके के शब्दों से नवाज रहे थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने बिल वापस ले लिया है और उन्होंने माफी भी मांगी है,
तो मैं पूछना चाहता हूं नितिन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता गांव गांव चौपाल करके किसानों को समझा रहे थे, आज वो किसानों से जाकर के माफी मांगेंगे? किसानों का पैर छू करके माफी मांगना चाहिए आपको, पश्चाताप करिए कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। और आप जो कह रहे हैं कि कृषि बिल गलत नहीं है, इसको स्वीकारिए कि गलत है। अगर गलत नहीं है तो आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति तो खराब ही खराब है, आपकी नीयत भी खराब है। और मुझे उम्मीद है महेंद्र जी, आप किसान ला सकते हैं, देश का किसान जानता है, और आपको चुनाव में जवाब मिलेगा। ठीक है महेंद्र भाई, हो गया। ठीक है कमलेश भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नितिन जी, मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी जी प्रवक्ता जी, इसी बिल के लिए कई बार हमारा इनका आमना सामना हुआ, कई बार बड़ी बड़ी खूबियां बताए, और सबसे पहले इन्होंने ही हमारे नेता के लिए टिप्पणी किया। जब हम बोलते हैं फिर ये कहते हैं कि आप, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि राकेश टिकैत जिसे पूरे देश की जो सरकार के लोग हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी, क्यों इतना डरते हैं एक नेता के ऊपर? पता नहीं कैसी कैसी टिप्पणी और कैसा कैसा ट्वीट इन लोगों ने किया, और फिर भी जब हमारे नेता लखनऊ आए और हमारे साथ हमारे किसान साथी भी आए, हजारों लाखों आए, आप लोगों ने देखा सभी चैनलों पे चला, और पंचायत भी हुई और कुछ नहीं कर पाए। ये देश का किसान है, अन्नदाता है, इसकी बात एक बार नहीं एक लाख बार आपको सुनना अच्छा पड़ेगा। और जो देखिए रणनीति हमारी, हम स्वागत करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, तपस्या किसानों ने किया जो 14 महीना हो तपस्या करते, और अभी हमारी लड़ाई एमएसपी की है। अच्छा। जो हमारे नेता, हम अभी 3 दिन से थे, आज मैं दिल्ली से वापस आया हूँ, जो 26-27 की हमारी बैठक थी, उस बैठक में सिंधु बॉर्डर पर कजरिया टाइल पे जहाँ हमारा ऑफिस बना है, वहाँ बैठक में जब चर्चा हुई कृषि मंत्री जी से और सब लोगों ने वार्ता जब हुई, तो कृषि मंत्री ने जब कहा हम लोगों ने 4 तारीख तक समय दिया एमएसपी पर भी गारंटी हमारी बनाई जाए, तभी हम लोग अपने घर वापस जाएंगे, और जो हमारे मुकदमे हैं हमारी उसी पे, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं, राकेश टिकैत जी, चरूनी जी, जो भी हमारे लोग हैं, 40 सदस्यीय कमेटी है, वो जो भी आदेश करेगी उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और ये जब बिल लाया जा रहा था तब भी न संसद में किसी से मिला गया, न बात की गई, न किसानों से बात किया गया, और जब मर्जी आपकी आए तो बहुत से किसान लागू कर दें, सपोर्ट भी कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं। अरे सब किए, हम कह रहे हैं बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी नेता है, वो भी निकल के आए। अच्छा। इन्होंने पूरे हथियार चलाए, कोई ऐसा हथियार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बाकी रखा जो इन्होंने हथियार ना चलाया हो। हर हथियार चलाने के बाद जब ये फेल हो गए तो इन्होंने बस सीधा हाथ माफी मांगो काम खत्म। ठीक है कमलेश भाई, जफर भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? सरकार है हमारे जफर भाई, आप लोगों में से भी कोई नेता किसानों के घर पे नहीं गया या मित्र परिवारों के बीच नहीं गया? शाही साहब पूछ रहे हैं इस सवाल को आपसे, रिपीट करें, आवाज साफ नहीं आ रही। शाही साहब जो बीजेपी से हैं, उन्होंने ये बात जब आप कह रहे थे कि बीजेपी का कोई भी नेता नहीं गया मृतक किसानों के परिवारों के घर पे, तो कांग्रेस का भी तो कोई नेता नहीं गया ना भाई? कांग्रेस के लोगों ने कैंडल लाइट जलाई और मृत किसानों के घर, तमाम जितनी कोशिश हो सकती थी उनके घर गए, श्रद्धांजलि अर्पित किए, और आज भी कांग्रेस को विजय दिवस के रूप में मना रही है और उन किसानों की श्रद्धांजलि को अर्पित करती है जिन जो शहीद हो गए। आपको लगता है इतने में आपको लगता है इतने में किसान नेता या कमलेश यादव जो बैठे हैं हमारे साथ किसान नेता के रूप में, ये मान जाएंगे और आपके साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश जाने का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल इस देश के अन्नदाता का है, सवाल इस देश के उस रीढ़ की हड्डी का है जिसके वजह से ये देश, ये मुल्क चलता है, कृषि प्रधान देश। अभी आप कह रहे थे कि चुनावों को देखते हुए इसको वापस लिया गया है, हिंदुस्तान की अभी आप कह रहे थे कि चुनावों को देखते हुए वापस लिया गया, आप कह रहे हैं आप चुनावों का मुद्दा नहीं है। चलिए ठीक है जफर भाई, मैं आता हूँ आपके पास। शाही साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? जफर भाई की भी बात आपने सुन ली और बाकियों की भी सुन ली। नितिन जी हमको 2-3 बातें कहनी है। बिल्कुल सर, पूरा समय। और 2-3 बातों में देखिए, सबसे बड़ी बात अभी हम जफर जी को ही कहते हैं कि देखिए उन्होंने कहा कैंडल जला रहे, बहुत अच्छी संवेदना, अच्छी चीज होती है। तरन तारण का एक दलित किसान जो है काटा जाता है सिंघू बॉर्डर पे, उसके घर कोई जाता नहीं है। लखीमपुर में राजनीति करनी होती है तो भूपेश बघेल जी और चन्नी जी दोनों आते हैं और 50-50 लाख रुपए दे जाते हैं। अच्छी बात है, दिया उन्होंने, बहुत उसका स्वागत है। लेकिन तरन तारण के उस किसान के घर कोई नहीं गया, और दलितों के ऊपर लाठीचार्ज किसानों के ऊपर हुआ छत्तीसगढ़ में, उस लाठीचार्ज के बाद न कोई मुआवजा न कुछ। यह है कांग्रेस का दूसरा रूप।
अब एक बात निकल के आई, हमारे सामने किसान नेता बैठे हैं, हमारे सामने सपा और कांग्रेस भी है। अब कुल मिला के देख लीजिए 1:3 की लड़ाई चल रही है यहां। किसान नेता ने किस एक शब्द ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया वो किया, या कांग्रेस ने, सिर्फ भाजपा बुरी है, मैं मान लेता हूं। सुनी जी, पहले सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा की भाषा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज की लड़ाई मेरी चल रही है, मैं पूरा कर लूँ, मैं पूरा कर लूँ प्रभु, इससे पहले भैया, बड़े भैया, सत्ता में आप है सवाल, महेंद्र भाई, महेंद्र भाई, महेंद्र भाई, मैं आऊंगा, आऊंगा, नहीं मैं पूरा कर लूँ, शाही साहब आप ही हैं, मैं पूरा कर लूँ, शाही साहब नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कहिए इस्तीफा दे दे, सवाल नहीं होगा उनसे। अरे ठीक है भाई, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ, सवाल नहीं होगा, देश को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, आप लोग गलत फहमी में। अरे अब की बार जब उत्तर प्रदेश और देश की जनता बता देगी आपको कितना मजबूती है। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी अभी उस पर भी आ रहा हूँ मैं, दो तीन चीज कह लेने दीजिए मुझे। तो अभी ये लग रहा है नितिन भाई कि ये किसान नेता के पीछे ये दल है, और किसान ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बार बार ये चीज आ रही है, अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसान नेता बन के क्यों हरा रहे हो? आप एक राजनीतिक दल बनाइए, आइए इनके साथ गठबंधन कीजिए, अखिलेश जी ने रास्ता खोला है, लड़िए हमसे, स्वागत है आपका। दो बातें इसमें और जोड़ लिए, तो अभी देखिए त्रिपुरा में हमने किस तरीके से लड़ाई जीती है, वहां पर राहुल गांधी ने बहुत सांप्रदायिक का फैलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, 296 से ऊपर सीट हम लोगों ने जीता है। इसके बाद आप आ जाइए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, एक सर्वे चल रहा है नितिन जी, जी एक चैनल पे हर हफ्ते सर्वे दिखाया जाता है, कांग्रेस को 7 सीट से 8 सीट नहीं दिखाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब वो घटने लगी है, भाजपा 40% पर आके 42-43% पर चली गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे सही है, लेकिन कुछ आंशिक हम सही मान लेते हैं, तो जनता हमारे साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर जो हम काम कर रहे हैं उनके लिए वो है, और 450 किसान संगठन में ये 40 किसान संगठन जो है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, 400 संगठन तो हमारे साथ हैं, सभी छोटे किसान खेतों में हैं, सीमांत और छोटे लघु किसानों के लिए हम बिल लेकर आए थे, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, चलिए हम देशवासियों को कैसे मनाएंगे, इन नेताओं से माफी नहीं मांगा था उन्होंने, कमलेश जी को कैसे मनाएंगे शाही साहब जी, कमलेश जी को कैसे मनाएंगे? देखिए कमलेश जी के मन में अभी भी भाजपा है, लेकिन इनके जो ऊपर के नेता हैं उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई है, दो दो बार जमानत जब्त करा चुके चढ़ूनी जी, दो दो बार जमानत जब्त करा चुके राकेश टिकैत जी, और सुनिए सबसे हास्यास्पद बात, अभी इस पंचायत जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, इन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य लड़ाया था, उसकी भी जमानत जब्त हो गई, तो किसान कहां इनके साथ है? अच्छा, ये मुगालते में है लोग, 400 किसान संगठन हमारे साथ हैं, 40 ये लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, और आज एक लाइन और, आज सिंघू बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी ने कहा था कोई जश्न नहीं होगा, और सिंघू इन्हीं में दो फाड़ हो गया, सिंघू बॉर्डर पर जश्न मना, राकेश टिकैत जी कह रहे हम जश्न नहीं मनाएंगे, आज ही दो फाड़ हो गया। सुनी जी, अगर आपको लगता है कि मात्र देश के 40 संगठन खाली अलग हैं, 400 आपके साथ हैं, तो इतनी बौखलाहट की चीज़, तो आपके मन में तो शाही साहब का प्रेम है ना? नहीं, इतना प्रेम मत दर्शाइए कि प्रेम बस प्रेम की गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाते चलेगी, इतना प्रेम मत दर्शाइए, मुझे ऐसा कोई प्रेम नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते आप हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप ये भद्रवासा, आप जब कह रहे 40 संगठन खाली लड़ रहे हो, 400 आपके साथ है, फिर आप क्यों माफी मांग के तत्काल वापस लेते हैं? देखिए हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री जी से, हमारी मुद्दे की बात, हम उनसे बात कहते हैं, जब तक हमसे चर्चा नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर टिप्पणी की बात नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता में है, जो हमारे देश के मुखिया, जब किसान वोट देना जानता है तो सवाल लाख बार करेगा और जवाब देना पड़ेगा। सुनी जी, इसी बिल के लिए आप सहित जितने प्रवक्ता हैं गला फाड़ फाड़ कर खूबियां बताते थे, और हमारे कृषि मंत्री जी कहते थे वापस नहीं होगा कुछ भी हो जाए, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री बताते थे लट के साथ ही वापस नहीं होगा, फिर आपने तुरंत, जब 400 आपके साथ थे, 40 अकेले हैं, फिर आपको इतनी बौखलाहट। अच्छा, आप शाही साहब क्या ऐसा कर दे कि आप लोग मान जाओगे?
नहीं, हम फिर वही चीज मैं तो कह रहा हूं, मैंने अगर वोट दिया है तो क्या मैं सवाल नहीं कर सकता? जो चीज मेरी नहीं समझ में आएगी उसके लिए 10-12 हम सवाल करेंगे। हमारा एमएसपी का मुद्दा चल रहा है, हमारे लोग बैठे हैं, नितिन जी मैं कह रहा हूँ, कृषि मंत्री जी और हमारे केंद्र के जो भी नेता हैं वो लोग बैठ गए और बैठक करके चर्चा करें, हमारे बातें मुद्दों पर चर्चा। कमेटी तो बना दी गई भाई, अभी चल रहा है, अभी बनी नहीं, चल रहा है। जो आपकी कमेटी बन रही है उसमें हमारे भी लोग रहेंगे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे भी लोग रहेंगे, आपके भी लोग रहेंगे, जब बैठक होगी, चर्चा होगी, हमारे मुद्दे खत्म होंगे, हमारा धरना भी वापस होगा, सब कोई नहीं वहां रोड पर बैठना चाहता, कोई भी रोड पे नहीं बैठना चाहता है। अश्विनी जी, जो हमारे 700 किसान शहीद हुए वो भी देश के किसान थे, वो 400 वाले थे या 40 वाले थे, ये तो आप बताएंगे, ये प्रमाण पत्र आप रखेंगे, ये प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, धरना पर उनको ले आकर उनकी हत्या करवा दी। सही कह रहे हैं, इसका भी जवाब आपको मिलेगा, परेशान मत हो, ये जवाब इसका भी मिलेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जवाब आपको मिलेगा। देखिए नितिन जी, मैं 2-3 बातें अपनी रखना चाहता हूं, जल्दी कीजिए। काफी देर से भाजपा के प्रवक्ता सुनी जी बोल रहे थे, आप अभी एक सर्वे का जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक सर्वे हो रहा है, मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को भी सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सर्वे के चक्कर में ना पड़े, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आपका पूरब से लेकर के पश्चिम तक सफाया होना तय है। दूसरी बात कि आपको याद होगा कि हमारे जब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी गाजीपुर से रथ लेकर के निकले और रात भर रथ चला, लेकिन जनता नहीं कम पड़ी। आपने नितिन जी, आप पत्रकार हैं, जब नरेंद्र मोदी जी की एक रैली हुई सुल्तानपुर में तो किस तरीके से परिवहन विभाग की बसें लगाई गई, किस तरीके से उसका चार्ज जो है सरकार ने वहन किया, उसके बाद भी रैली आपकी फ्लॉप हुई, लेकिन रात में 4:30 बजे अखिलेश यादव जी लखनऊ पहुंचते हैं। ये लोग सोचते थे, ये लोग भाजपा के लोग सोचते थे कि हमारा पश्चिम अगर कमजोर हुआ है किसान आंदोलन की वजह से तो हम पूर्वांचल में मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब देखा कि पूर्वांचल की जनता रात में अखिलेश यादव का स्वागत कर रही है, उससे डर गए। अखिलेश यादव का डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में, इनके नेताओं के मन में, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी भी मांगी और किसान बिल वापस लिया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है किसानों की, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। एमएसपी पर कानून भी बनेगा, सुन लीजिए सुनी जी, कानून नहीं बनेगा तो आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की मदद की जाएगी, क्योंकि हमारे नेता ने लगातार मदद की है और उन्होंने आगे भी कहा है कि आने वाले समय में हम उन शहीदों को भी, उन जो किसान शहीद हुए हैं उनकी 25-25 लाख से मदद करेंगे। और जब आपने बिल वापस ही ले लिया, माफी ही मांग ली, तो अब उन किसानों से भी माफी मांग लो जो शहीद हो गए, उनके परिवार की क्या मदद करोगे, इस बात की भी घोषणा करिए, उनके परिवार को नौकरी दोगे कि नहीं दोगे, ये भी बता दो। समय कम है, फिर किसी दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, आज जिस तरह से इस फैसले को लेकर के, इस कानून को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में इसे पेश किया गया, अब उसे पास तो कर लिया गया है, लेकिन किसानों की लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन हमें और आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा और सबसे अहम इस बात पर ध्यान रखना है कि कोरोना का जो तीसरा वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आ चुका है, और ऐसे में अपनी और अपने परिवार वालों की पूरी सावधानी रखिए, चेहरे पर मास्क रखिए और इस तीसरे वेरियंट से लड़ने के लिए तैयार रखिए। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दीजिए नमस्कार।